टोल्स आपको टोल्स देने की जरूरत नहीं है और किन किन सिनेरियो में टोल्स देने की जरूरत नहीं है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे यू नॉट नीड टू पे टोल और अपना पैसा जो है वो वापस लीजिए आज हम इसके बारे में पूरी डिस्कस करेंगे कि कौन सी गाइडलाइंस हैं, क्या रूल्स है कब वो अप्लाई होते हैं आप क्या कर सकते हैं उनको अप्लाई करने के लिए एक एक बात हम आज अच्छे से पढ़ेंगे तो जुड़े रहेगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे पहले आज आई वांट टू टेल यू अ वेरी बिग थिंग इज हैपनिंग ऑन स्टडी आईक्यू स्टडी आईक्यू में बहुत ही एक बड़ी चीज होने वाली है पूरे इतिहास में पहली बार स्टडी आईक्यू एक बहुत ही बिग चीज आपके लिए लॉन्च करा है ऑन 5th जून 2022 आपको पता होना चाहिए 5th जून 2022 को क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि 5th जून 2022 को क्या है इसीलिए स्टडी आईक्यू आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, चीज आपके लिए फिफ्थ जून को लेकर आने वाला है तो आप 12:30 थर्टी पीएम को स्टडी आईक्यू के साथ जुड़िएगा और देखिएगा कि स्टडी आई आपके सपनों को पूरा करने के लिए क्या आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेकर आ रही है पक्का जो स्टडी आईक्यू के साथ साढ़े बारह बजे जुड़े रहेगा ठीक है अब बात करें गाइज इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद बी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो आपके सामने मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स रहे आप सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ भी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं आपको पीडीएफ जो है मेरे सारे यूट्यूब सेशन की कहाँ पर मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी गाइज अब बात करते हैं टोल के बारे में जो हमारा आज का टॉपिक है देखिए ये आपके सामने लाइन है टोल की लगी हुई है कितनी ही बड़ी बड़ी लाइन है अब 2018 की बात करें तो 2018 में कुछ वीडियोस जो है वो पब्लिश हुई थी वायरल हुई थी जहां पर ये कहा गया था कि अब आपको टोल देने की जरूरत नहीं है अगर आप 100 मीटर से ज्यादा आपकी लंबी लाइन है इस तरह से कुछ बातें हुई थी ठीक है उस समय ये एक तरह से रूमर्स कंसिडर की जा रही थी किसी को इस रूल के बारे में ना तो जो टोल दे रहे हैं जो कस्टमर्स है उनको पता था जो जो ना टोल ले रहे हैं किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था बहुत एंटीए पिक्चर थी तभी इन 2020 21 मतलब 2021 में क्या हुआ 2021 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस मेंशन अब वो गाइडलाइंस क्या थी उनके बारे में नजर करते हैं फर्स्ट गाइडलाइन थी कि नो मोर देन 10 सेकंड्स ऑफ सर्विस टाइम पर व्हीकल इवन ड्यूरिंग द पीक आवर्स एट टोल प्लाजा टू इंश्योर मिनिमल वे वेटिंग टाइम अब ये कहा गया कि दस सेकेंड से ज्यादा एक व्हीकल पे टाइम नहीं लगेगा जिसे आपने देखा होगा आप टोल पे जाते हो भाई कितना ज़्यादा समय एक ही व्हीकल को लग जाता है लेकिन यह गाइडलाइन आ रखी है कि एक व्हीकल टेन सेकेंड ठीक है उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए किसी भी व्हीकल को टोल देते हुए यह एक गाइडलाइन थी सेकेंड गाइडलाइन की बात करें तो सीमलेस फ्लो के लिए क्या कहा गया कि अगर 100 मीटर से बियॉन्ड लाइन चली जाती है टोल की तो उसको प्रिवेंट किया जाएगा वो नहीं होना चाहिए 100 मीटर से बियॉन्ड लाइन नहीं होनी चाहिए हमारी टोल प्लाजा की अब ये दोनों ही कंडीशन हमने देख ली फर्स्ट की क्या होता है दस सेकेंड पर व्हीकल एंड सेकेंड हंड्रेड मीटर से ज्यादा लाइन नहीं होने चाहिए अब आप पूछेंगे मैम ठीक है आपने ये गाइडलाइन तो बता दी लेकिन इससे होगा क्या इससे होगा आपके लिए और वो क्या होगा कि अब आप अगर ये दोनों ही कंडीशन होती हैं तो व्हीकल्स विल बी अलाउड टू पास विदाउट पेइंग टोल टोल नहीं देना पड़ेगा व्हीकल्स को अगर ये दोनों ही कंडीशन होती हैं दस सेकेंड से, से ज्यादा अगर टाइम लग जाता है अगर लाइन जो है वो हंड्रेड मीटर से बियॉन्ड चली जाती है तो आपको जो टोल है वो नहीं देना पड़ेगा पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे ये हमारी गाइडलाइंस है ठीक है तो अब आप पूछेंगे मैम कि हम इंश्योर कैसे करें कि जो हम लाइन है वो हंड्रेड मीटर से ज्यादा जा चुकी है बिकॉज आप तो कुछ ऐसा स्केल या फिर कुछ ऐसी लाइनिंग तो लेने लेके बैठते नहीं हो गाड़ी में आप तो प्रॉपर चले हुए होते हो आपको पता ही नहीं होता कितनी लंबी लाइन चली हुई है हंड्रेड मीटर कितने हुए तो ये चीज नहीं पता होती तो ये चीज कैसे पता लगेगी ये टोल प्लाजा है इंस्ट्रक्टेड टू अ येलो लाइन हंड्रेड मीटर बिफोर द बूथ एंट्री अब बूथ एंट्री के बाद क्या होगा अब बूथ एंट्री है उसके बाद में एक हंड्रेड मीटर के बियॉन्ड एक येलो लाइन लग जाएगी हंड्रेड मीटर्स पे येलो लाइन लग जाएगी जिससे आपको पता होगा कि अगर आप येलो लाइन से पीछे हो तो मतलब कि अब ये लाइन हंड्रेड मीटर क्रॉस कर चुकी है अब आप विदाउट टोल आप पे किए जा सकते हो अब आपका ये राइड स्टार्ट हो गया ठीक है येलो लाइन आप देखिएगा येलो लाइन के बाद अगर हंड्रेड मीटर स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद में क्या है उसके बाद में आप विदाउट पेमेंट क्या कर सकते हो टोल से क्रॉस कर सकते हो ये थी हमारी गाइडलाइंस ठीक है अब आप पूछेंगे कि ये रूल क्यों आया आखिर कार्रवाई दिस रूल ठीक है तो देखिए एक चीज है आपने नाम सुना होगा फास्टैग का तो यही मेंशन किया गया इवन इस डॉक्यूमेंट में भी ये कहा गया कि दैट एट प्रेजेंट देयर इज नो वेट टाइम एट टोल प्लाजाज ऑल स्विच टू फास्टैग फास्टैग तो स्विच कर लिए गए हैं तो फास्टैग में जब स्विच कर लिए अब तो टाइम लगता ही नहीं अब तो सारा इलेक्ट्रॉनिक ही सब कुछ हो जाता है तो इसलिए ही और फास्टैग एक कोविड टाइम में बहुत ही ज्यादा बड़ी इन्होंने जो है वो चीज निकाली थी वह बिकॉज इसमें बहुत ही ज्यादा मिनिमल जो है वो बहुत सोशल डिस्टेंसिंग ये करता है ठीक है कुछ आपका जो एक दूसरे का हाथ टच नहीं होता पैसे एक दूसरे के ट्रांसफर नहीं होते बस ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है तो फास्टैग को बढ़ावा देने के लिए एंड फास्टैग का पता भी था कि अब फास्टैग सब लोगों ने लगाया हुआ है तो अब वेटिंग टाइम होता ही नहीं है इसलिए वेटिंग टाइम कितना कर दिया गया टेन सेकेंड्स कर दिया गया अब एक और एक और क्वेश्चन आएगा मैम फास्टैग हमने लगाया हुआ है ठीक है तो मनी तो वैसे भी डिडक्ट हो जाएगा ठीक है और अगर जो पर्सन जो टोल ले रहा है उसने हमें रिफ्यूज कर दिया हम अपने राइट right के लिए लड़े कि 100 मीटर से ज्यादा लाइन थी और क्या आप हमसे पैसे नहीं ले सकते और उसने रिफ्यूज कर दिया कि ऐसा कोई रूल ही नहीं है नहीं पता होता लोगों को और वो मना कर सकते हैं या फिर फास्टैग से पैसे दिद, आपके डिडक्ट हो चुके हैं ठीक है तो आप रिफंड के लिए कहां पर कॉल कर सकते हैं ट्वेंटी फोर सेवन हेल्पलाइन नंबर दैट इज़ यू जस्ट कॉल दिस नंबर और आपके लिए एक तुरंत एक्शन लिया जाएगा ठीक है आप कॉल पे एक दो बार जब भी आपको कॉल करना है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं तो ये तो हो गई सारी की सारी बात ये जो हमारे लिए राइट्स है अब राइट के साथ क्या आता है हमेशा राइट के साथ एक ड्यूटी आती है तो वो आपकी ड्यूटी है एक मॉरली आपकी ड्यूटी है कि आप अननेसेसरी कॉल ना करें बिकॉज अगर कॉल करते हैं तो वो आपसे आपका टोल गेट नेम पूछेंगे जो आपकी रिसिप्ट पे होगा ठीक है तो वो आपसे पूछेंगे और सीसीटीवी कैमरा से भी देखा जाएगा क्रॉस चेक किया जाएगा कि क्या ये गाड़ी जो है वो आई थी ठीक है क्या हंड्रेड मीटर्स लाइन क्रॉस कर चुकी थी वो कर सकते हैं ऐसा तो अननेसेसरी कॉल मत कीजिएगा कि बस परेशान करने के लिए या फिर ऐसे ही आपने कॉल कर दी ये कॉल मत कीजिएगा 1033 पे ठीक है तो ये तो थी आज की पूरी की पूरी वीडियो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी आपको न्यू रूल न्यू लॉ के बारे में पता चला होगा रूल तो 2021 में आ चुका है लेकिन हमें पता ही नहीं होता हमारे राइट्स के बारे में राइट तो आपका क्या लॉ है क्या रूल है आपके लिए कि टोल आप नहीं देंगे आप पैसा नहीं देंगे अगर 10 seconds रूल and 100 meters वाला रूल. आप देखेंगे कि 100 meters से ज़्यादा अगर लाइन कर चुकी जा सकते है, राइट तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी हम जो भी मैंने आपको लॉ समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा आपने पकड़ लिया होगा अब आप अपने राइट्स के बारे में लड़ते रहेंगे आप अपने राइट्स के लिए स्टैंड करेंगे ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप स्टडी आई के चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए ऐसे ही वीडियोस के लिए नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे ऐसे ही लॉ के बारे में बात करेंगे तब तक जुड़े रहिएगा एंड थैंक यू सो मच गाइज अपना ध्यान रखिए मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए थैंक यू सो मच गाइज